गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट EL 210 सी प्रोग्रामिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोकन्स इन सी लैंग्वेज। टोकन क्या होता है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो टोकन से मिलके बना हुआ होगा। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, मान लीजिए एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज़ रीडिंग अ बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है। उसमें राम क्या होता है? नाउन। इज़ हेल्पिंग वर्ब होता है। रीडिंग मेन वर्ब होता है। बुक एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, ये सारे क्या हैं? टोकन्स हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट के अंदर जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है उनको हम टोकन कहते हैं। अब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में टोकन क्या होते हैं? टोकन इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आइडेंटिफाई द कंपाइलर इन ए सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। प्रोग्राम के अंदर सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसको कंपाइलर समझता है उसको हम टोकन कहते हैं। इट मे बी सिंगल कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है टोकन, या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, या खूब सारे कैरेक्टर से मिलकर भी टोकन हो सकता है। जैसे ये देखिए चित्र के अंदर दिया हुआ है। सी टोकन्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्स्टेंट्स टोकन हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, अदर सिंबल्स, ये सारे टोकन होते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? वो चीज़ जो प्रोग्राम के अंदर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में फिक्स होती है। जैसे 10.00 -11, ये क्या है? कॉन्स्टेंट, ये टोकन है। स्ट्रिंग्स क्या होती है? डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। जैसे डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है ABC, तो ये एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ 5, तो वो भी क्या है? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का, किसी आइडेंटिफायर का नाम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। जैसे मैंने लिखा टोटल, तो टोटल एक आइडेंटिफायर है जो किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है। इंटरेस्ट रेट, ये भी क्या है? एक आइडेंटिफायर है। इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं। अगला होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो रिजर्व वर्ड भी होते हैं, जो पहले से ही सी कंपाइलर के अंदर फिक्स होते हैं। जैसे इंट, फ्लोट, इफ, ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे प्लस दो एंटिटीज़ को जोड़ेगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डबल एम्परसेंट, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटर्स। इसके अलावा अदर सिंबल्स, जैसे सेमी कॉलन हो सकता है, कॉलन हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, पैरेंथेसिस हो सकता है, तो सारे सिंबल्स। तो दोस्तों, कोई भी सी प्रोग्राम जो होगा वो टोकन से मिलके बना हुआ होगा। वो कॉन्स्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकता है, या फिर कोई अदर सिंबल हो सकता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं, जैसा कि नाम है कीवर्ड्स। इनको हम एज ए आइडेंटिफायर काम में नहीं ले सकते, अर्थात हम किसी कीवर्ड को एज ए फंक्शन का नाम यूज़ नहीं कर सकते, कीवर्ड को एज ए नॉर्मल वेरिएबल नहीं बना सकते, और कीवर्ड को हम एज ए पॉइंटर भी यूज़ नहीं कर सकते, वो हम आगे समझेंगे। और अर्थात कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर काम में नहीं ले सकते हैं। कीवर्ड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे इंट लिखा हमने, फ्लोट, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, एक्सेट्रा, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये देखिए, ये कीवर्ड्स की लिस्ट है सारी सी के अंदर। जैसे भी मैंने बताया था कि 32 कीवर्ड होते हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम,
एक्सटेंड, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वाइल एक्सेट्रा, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। अगला टोकन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफायर एक्चुअल में क्या होता है, आइडेंटिफायर इज़ ए नेम गिवन टू एनी मेमोरी लोकेशन। किसी मेमोरी लोकेशन को हम नेम देते हैं, मतलब कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई फंक्शन का नाम हो सकता है, कोई पॉइंटर का नाम हो सकता है, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, एन आइडेंटिफायर इज ए सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट बट मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। आइडेंटिफायर लेटर्स का और डिजिट का सीक्वेंस होता है, उनसे मिलकर बना होता है, लेकिन जो पहला अक्षर है वो एक लेटर होना चाहिए। आइडेंटिफायर के अंदर अपन कैपिटल ए टू जेड ले सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड कैरेक्टर्स ले सकते हैं, इसके अलावा हम अंडरस्कोर ले सकते हैं, इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल हम आइडेंटिफायर को बनाने में काम नहीं ले सकते। कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट 0 से 9 तक ले सकते हैं और अंडरस्कोर ले सकते हैं, इसके अलावा कोई डॉलर, एट द रेट, स्पेशल सिंबल को हम काम में नहीं ले सकते हैं। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। जब भी हम आइडेंटिफायर बनाते हैं तो उसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं होगा। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, अर्थात कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे रूट लिखा मैंने तो एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये ए टू जेड से बना हुआ है और पहला लेटर जो है वो करेक्टर है, अल्फ़ाबेट है। गेट केयर 1, ये भी ओके है। साइन 1 2 3, ये भी सही है। X1, X2, X3, X_1, ये भी सही है। इफ़ के अंदर हमने कैपिटल इफ़ आई लिखा है तो ये सही है, ये आइडेंटिफायर हम बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्मॉल if लिखता हूँ तो ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्मॉल if लिखता हूँ तो ये कीवर्ड होगा और कीवर्ड को हम एज ए नॉर्मल वेरिएबल या आइडेंटिफायर काम में नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, जैसे 3, 2, 4, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये सारे डिजिट्स है। इसके अंदर कम से कम एक लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। शॉर्ट ये आइडेंटिफायर नहीं है क्योंकि ये एक कीवर्ड है, इसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। प्रिंस डॉलर, ये भी गलत है क्योंकि इसके अंदर डॉलर स्पेशल सिंबल है, हम केवल अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं, बाकी दूसरे स्पेशल सिंबल को काम में नहीं ले सकते हैं। माई स्पेस नेम, ये भी गलत है, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आइडेंटिफायर नेम के अंदर स्पेस नहीं ले सकते, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे हम माई अंडरस्कोर नेम लेते तो ये सही होता है। तो ये थे आइडेंटिफायर्स। अगला है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स आर नोन एज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। अगर हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर 13 लिखा है तो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। मैं केवल 13 लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट नहीं, ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है। और अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर ए लिखा मैंने तो ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स होगा। इसके अलावा है ऑपरेटर्स, भी एक टोकन होता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हो सकते हैं। अर्थमेटिक होता है, लॉजिकल होता है, रिलेशनल होता है, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर भी एक सिंबल होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये भी एक टोकन होता है। इसके अलावा कॉन्स्टेंट, सिंपल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होता है, हुज वैल्यू मे नॉट बी चेंज्ड। प्रोग्राम के अंदर जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उनको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। जैसे मैं सिंपल लिखता हूँ 5, 10, तो ये कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके बना सकते हैं या फिर डिफाइन मैक्रो के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर मैंने लिखा है कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.1, यहाँ पे पाई ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा हैज़ डिफाइन मैक्रो होता है, उसके द्वारा भी हम कॉन्स्टेंट को बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हैज़ डिफाइन पाई 3.14, तो ये कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है,
वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी स्टोरेज लोकेशन को हम कुछ नाम देते हैं और उसकी वैल्यू प्रोग्राम ड्यूरेशन के अंदर चेंज हो सकती है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक मेमोरी में जगह होती है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम कुछ नाम देते हैं। सो वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू एनी स्टोरेज लोकेशन और मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू मे बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है तो उसके आगे हमें उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होगा, जैसे इंट स्पेस ए, फ्लोट स्पेस बी, कैरेक्टर स्पेस सी। इंट स्पेस ए लिखा, इसका मतलब ए एक इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट बी मतलब बी एक वेरिएबल है जिसमें फ्लोट वैल्यू आएगी, पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। तो वेरिएबल एक लोकेशन होती है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल बनाने के भी जो रूल्स होते हैं, जो आइडेंटिफायर को बनाने के रूल्स होते हैं, वही रूल्स वेरिएबल को बनाने के लिए काम आएंगे। अर्थात किसी वेरिएबल को बनाने के लिए कैपिटल ए टू जेड ले सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड ले सकते हैं, 0 to 9 ले सकते हैं और अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं, और कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल काम में नहीं ले सकते हैं। वेरिएबल की लेंथ कितनी भी ले सकते हैं अपन, लेकिन वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होने चाहिए और वो नॉर्मली 8 कैरेक्टर का लेना चाहिए, बट लेकिन वो 32 कैरेक्टर तक वो आइडेंटिफाई कर सकता है। वेरिएबल नेम छोटे होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे अगर हम किसी की टोटल निकाल रहे हैं तो वेरिएबल का नाम टोटल या सम हो सकती है। तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं। आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे। थैंक यू।